अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पोटैटो ब्रेड रोल्स की। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसके लिए आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, मैंने तकरीबन बॉयल्ड चिकन है बोनलेस एक कप लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज, थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप ली है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रीम ली है, आप चाहें तो बलाई भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून मैं इसमें आमचूर का पाउडर यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला इस्तेमाल करूँगी और 1 अदद नींबू यूज़ करूँगी। ब्रेड लिए हैं तकरीबन 7 से 8 मैंने इसके स्लाइसेस लिए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च और नमक। अब हम इसकी सबसे पहले मिक्सिंग शुरू करते हैं। आलू में सबसे पहले हम शामिल करेंगे चिकन, जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर लेनी है वो सब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सब्ज़ मिर्च इसमें हमने ऐड की है, इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, धनिया, चाट मसाला, बलाई या क्रीम आप जो भी लेना चाहें, टोमेटो केचप, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, किसी भी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हम लेमन जूस ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसके जगह आमचूर का पाउडर या टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ब्रेड को डिप करने के लिए हम इसके अंदर एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमने इसको पतला रखा है, ज़्यादा थिक नहीं किया। ब्रेड की साइड्स को हम कट कर लेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को अब हम सबसे पहले पानी में हल्का सा डिप कर लेंगे। अब जो हमने बैटर तैयार किया था वो हम इन स्लाइसेस के अंदर रखते जाएंगे और इसको इस तरह हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएंगे। इसका ये हम रोल तैयार कर लेंगे और इसके जो किनारे हैं वो हम अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी ब्रेड के पीसेस को भी रेडी कर लेंगे। ब्रेड रोल्स हमने तैयार कर लिए हैं, अब जो हमने बैटर तैयार किया था हम इसको इसमें डिप कर देंगे और इसके ऊपर एक हम लेयर ब्रेड क्रम्स की लगा देंगे। इसी तरह हम बाकी रोल्स भी तैयार कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, हमने रोल्स तैयार किए हैं वो इसमें डालते जाएंगे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। हम इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे बल्कि मीडियम आंच पे इनको तैयार करेंगे। इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसकी साइड से हम वो चेंज करते जाएंगे। पोटैटो ब्रेड रोल्स हमारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार चिकन पोटैटो ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।